दोस्तों YouTube Studio की मोबाइल एप्लीकेशन में तीन यूजफुल अपडेट्स आ चुकी हैं और इनमें एक अपडेट ऐसी है कि अब आपके सब्सक्राइबर्स ड्रॉप नहीं होंगे। अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हुए तो इस अपडेट की मदद से बहुत जल्द आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ये अपडेट्स आपको कहां पर मिलेंगी और कैसे आप इनको यूज कर सकते हैं, इसके लिए वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। पसंद आएगी तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए इन अपडेट्स को शुरू करते हैं। सबसे पहली अपडेट ये है कि जब आप YouTube Studio की मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करते थे, नीचे बॉटम में नेविगेशन बार में आपको कुछ ऑप्शंस मिलते थे, डैशबोर्ड, कंटेंट, एनालिटिक्स, कमेंट्स और प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन होता था। लेकिन YouTube ने यहां से प्लेलिस्ट का ऑप्शन खत्म कर दिया है। अब ये ऑप्शन आपको कंटेंट वाले ऑप्शन में मिलेगा, जहां पर आपकी सारी वीडियोस होंगी। दोस्तों सेकंड अपडेट भी बहुत यूजफुल है कि अब YouTube YT Studio की मोबाइल एप्लीकेशन का जो मेन पेज था, जिसको डैशबोर्ड कहते थे, इसकी सरफेस को, इसकी लुक को YouTube चेंज करने लगा है। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट की कि अब आपके सब्सक्राइबर्स ड्रॉप नहीं होंगे। दोस्तों अभी तक क्या था कि आप YouTube की एप्लीकेशन को जब ओपन करते थे और यहां पर होम पेज पर जाकर किसी चैनल को सब्सक्राइब करते थे, सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप अनसब्सक्राइब करना चाहते थे तो इसी पेज से आप उसको अनसब्सक्राइब कर सकते थे। लेकिन YouTube एक अपडेट लेकर आने वाला है कि अगर कोई यूट्यूबर आपके होम पेज पर आकर आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो यहीं से वो आपके चैनल को अनसब्सक्राइब नहीं कर सकता। उसको आपके चैनल को अनसब्सक्राइब करने के लिए आपकी वीडियोस पर जाना पड़ेगा और यहां से वो आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकता है। ये अपडेट्स आपको कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा। थैंक यू।